सॉरी हेलो स्टूडेंट गुड इवनिंग आई एम योगेश चंद्र शुक्ला योर बायोलॉजी फैकल्टी भाई साहब लाइट गोल है यहाँ पर ठीक है आज लाइट गोल है तो हम लोग यहाँ पर आ, रोहन जी सॉरी रोहन नहीं आ, आप जो है एक नाम लिखिए क्या नाम था इसका हाँ ठीक है मैं बोल दिया भाई वो मेरे विषय में नहीं है एक्चुअली हाँ पार्थीनियम को कैरेट ग्रास कहते हैं भाई कांग्रेस ग्रास नहीं कैरट्रस गाजर घास कहते हैं पार्थिनियम को आदित्य प्रकाश जी लाइट गोल है थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ेंगे आज हम लोग है ना थोड़ा सा धीरे 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 प्यार से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ठीक है चलिए लास्ट क्लास में जो जो कुछ भी पढ़ाया गया था वो सब कुछ होगा ये क्या लिखे हो मोनोगोलोडोईडियोसी ठीक से स्पेलिंग लिखे एडीओसी एडीओसी गोलोइडी मोन गोलोडी मोनो ऐसा कुछ देखिए फिर से मुझे स्पेशलिस्ट का नाम नहीं है ठीक है मैं बोल दिया उसकी बातों को समझ में आ जाएगा आपको हाँ क्या प्रॉब्लम है बताया जाएगा उसको नाम मैंने नोट करवा दिया है हमारे असिस्टेंट साहब को वो आपने लग रहेंगे ठीक है मैं पढ़ाता हूँ ये बोर्ड से तो वो ब्लैंक आती जिस स्लाइड में आप पढ़ाते हैं वो ब्लैंक आती है अच्छा आपको ब्लैंक आती है नहीं नहीं कुछ ब्लैंक रहती है हाँ वो ब्लैंक ही आएगी वो नोट नोट डाउन नहीं रहता उसको आप लोगों को नोट करना पड़ेगा ठीक है जैसे मान लो किसी टॉपिक पे जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया कोई भी टॉपिक खाली टॉपिक छोड़ दिया मैंने है ना तो उसको आप लोगों को नोट करना पड़ेगा ठीक है वो आप लोग नोट करेंगे तभी आप लोगों को मिलेगा हाँ लाइट नहीं है ऐसे ही पढ़ेंगे आज ठीक है हाँ ठीक है रोहन जी ठीक 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 मैं समझ गया आपकी बातों को मेरे हिस्से में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है आप उस उसमें नीचे लिखिए नंबर पर फ़ोन करके पूछिए ना क्या परेशानी है क्या कैसा है ठीक है आप उस नीचे वे नंबर पे रखिए आप लोगों को जो मैं नोट करके देता हूँ रिटर्न देखो अब वो अगर मैं स्लाइड में ही दे दूंगा ना तो आप लोगों को बाद में समझ नहीं आएगा इसलिए मैं स्लाइड में फॉर्म में नहीं देता मतलब वो थोड़ा सा कचड़ा ना हो जाए इसलिए इसलिए जो भी बच्चे जो हैं मुझसे पढ़ रहे हैं वो जब मैं लिखता रहता हूं उससे लाइन बाई लाइन लाइन बाई लाइन अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया करें और इस चैप्टर में तो ऐसा मैं बहुत करने वाला हूँ क्योंकि अगर मैं इसको किताबी नॉलेज में पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को ना तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला इसलिए हर टॉपिक का मैं बुकिश लैंग्वेज यहाँ पर डाल रखा है मैंने ऐसा नहीं है आप लोगों को नोट्स के फॉर्म में वो मिलेगा लेकिन मैं जो समझाऊंगा वो अपना मेरा तरीका होगा जैसे मैंने आप लोगों को न्यूक्लियोसोम समझाया इससे पहले और भी जो एक्सपेरिमेंट जो डी वगैरह समझाएं तो वो भी बाद में ठीक है ब्रजनाथ के हमारे में माने लीव वीडियो हैं ठीक है हाँ हैंड रिटन नोट्स होते तो देखिये हैंड रिटन नोट्स में एक्जैक्टली exactly होता क्या है ट्वेल्थ ट्वेल्थ में वो सिर्फ ना फ्लो चार्स वगैरह रहते हैं तो वो थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी उस पर काम कर रहा हूँ मैं लेकिन फिलहाल ये जो नोट्स है ना ऐसा आप लोग थोड़ा सा इस पे ऊपर वर्क करिए खुद से थोड़ा सा लिखिए वो आपको बेहतर तरीके समझ में मेन आना चाहिए बच्चे नोट्स वगैरह आप लोगों को मिल जाएंगे ये पी इसीलिए आपको अपलोड कर देता हूँ तो या तो ये पी मिल पाएगा या तो फिर आपको नोट्स मिल पाएंगे तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा बेहतर ये है इस वजह से आपको ये दे देता हूँ क्योंकि इसमें डायग्राम्स बहुत प्यारे प्यारे हैं ये डायग्राम्स जो आप लोगों को मैं डाल के रखा हूं वही बहुत बेहतर है इसलिए आप लोगों को मिलेगा ठीक है हम कुछ पूछ नहीं पाते नहीं मुकेश पाल आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मिलेंगे राम मीना जी मैं कोशिश करता हूं उसके ऊपर में ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बात करेंगे चैप्टर फाइव पांच का पार्ट सिक्स एंड पार्ट सेवन सेली मैडी कॉल्ड नहीं आया है ये कैसा टाइप का इंग्लिश हिंदी लिखियों को समझ नहीं आ रहा है ठीक है एक बार और कॉल कर लीजिए अब होगा है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए ताकि प्रिपरेशन साथ ही साथ कर लें प्लीज़ चैप्टर ऑफ एडिंग है। हाँ ठीक है हम बात करेंगे दोनों साथ में कोश, कोशिश करेंगे ठीक है इंग्लिश में नोट्स कब मिलेंगे तो हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा खुद से बनाना पड़ेगा दोस्त तो थोड़ा सा है ना यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश मिक्स करना पड़ेगा आप लोगों को है ना डाउट के लिए ऐप में कमेंट कहाँ पर करें डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं हो ये बात भी सही है डाउट जो है वो क्लास से पहले ही रखेगा हम ऐसी कोशिश करेंगे दो चार चैप्टर जब हो जाएंगे ना तो एक दिन हम लोग लाइव डाउट क्लास रखेंगे जैसे मान लो तो आप सभी स्टूडेंट अपना चैप्टर वन का डाउट क्लास चैप्टर टू का डाउट क्लास चैप्टर थ्री का डाउट क्लास तो रिविजन क्लास रख दिया करेंगे किसी एक दिन सैटरडे ऐसा वैसा तो आप लोगों को मिल जाएगा हाँ आपका कमेंट आता है सी एस के जी मेरे पास में भी ठीक है सभी लोग अपना परेशानी बता चुके इंग्लिश में हिंदी में थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान मिलेगा हाँ मैं रोहन बोल दिया हूँ मेरे बस का थोड़ा सा नहीं है चैप्टर फाइव का पार्ट सिक्स नहीं आया है जी लिख लें इस बात को है ना देखेंगे ध्यान से कोशिश करते हैं उसके बारे में वीक में एक बार डाउट क्लियर रखा हाँ मैं कोशिश कर दूंगा डाउट क्लियर रखने का लेकिन बहुत सारे बच्चों को जिनका डाउट नहीं होता वो परेशान हो जाएंगे ठीक है जो शुरू से पढ़े हुए हैं उनको परेशान तो उसका हम कोई सुझाव निकालते हैं कि डाउट क्लास कैसे करवा दी जाए डांस से डीएनए ये क्या बात है भाई हाँ मैं मैं ठीक है मैं बोल रहा हूँ ना ये मतलब मेरे हक में नहीं है फिर भी मैं बोल दिया हूं हो जाएगा डांस डीएनए ये क्या होता है भाई चलो भाई छोड़िए अब आगे बात करते हैं आगे हम बात करें क्वेश्चन डीपीपी वगैरह मिलेंगे भाई कुछ दिन अभी थोड़ा सा आप लोगों को अभी अभी तो शुरू हुई है ठीक है मिलेंगे बहुत जल्दी आप लोगों को सब कुछ मिलेगा अभी पढ़ाता हूँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ठीक है देखो भाई तो अब हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक कल का बच गया रह गया था मैंने कल आप लोगों को पैकेजिंग पढ़ाया था उस पैकेजिंग के ऊपर में मैंने कल बात की थी उसी के बारे में हमें आज आप बात करना है ठीक है स्टार्ट करिए कोई भी बात नहीं करेगा आखिरी का पांच मिनट मैं आपको दूंगा बताने के लिए आपके जो डाउट परेशानियां हैं उसके ऊपर मैं काम करता हूँ डीपीपीस के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ नोट्स के ऊपर काम चल रहा है बहुत जल्दी आपको मिलेगा फिलहाल जो चल रहा है उसे आप लोग रिटर्न करते रहें लिखते रहें और प्यार से आप समझते रहें ठीक है माइंड मैप्स वगैरह वगैरह सब कुछ कोशिश करूंगा मैं उसके ऊपर में देखो भाई तो लास्ट क्लास लास में मैंने समझाया था कि न्यूक्लियोसोम बनाने के बाद डोरी पर बीट्स जैसी संरचना दिखाई देती है जिसे क्रोमेटिन कोष्ट होकर धागो जैसा बना लेता है ठीक है आगे कुंडलित होकर कोशिका विभाजन की मध्यावस्था में कौन सी अवस्था में कोशिका विभाजन की मध्यावस्था में गुणसूत्र का निर्माण करते हैं ये लाइन दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है इसके ऊपर में बहुत सवाल पूछे जाते हैं कल भी मैं आपको समझा चुका हूं आज मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं ध्यान रखना मेरी बात को ठीक है जब क्रोमेटिन बनता है न्यूक्लियोसोम से जुड़ता है तो वो डोरी पर बीट्स बीट्स मतलब मोतियों के दाने की जैसा दिखाई देता है दाना माले का दाना होता है ना मालो में जो दाने होते हैं वैसा ही दिखाई देता है कि डोरी में माले के दाने जैसा दिखाई देगा अब वो क्रोमेटिन है और ज्यादा काइल्ड हो होकर कौन सी अवस्था में कोशिका विभाजन की मध्यावस्था इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज्यादा मध्यावस्था को इंग्लिश में कहते हैं मेटाफेज ठीक है तो इसे हम कहते हैं मेटाफेज मेटाफेज वाली अवस्था में ये और ज्यादा क्वाइल्ड होकर गुणसूत्र का मतलब होता है क्रोमोजोम बना लेते हैं ठीक है अब जब ये क्रोमोजोम बना लेंगे तो कहानी हमारी कंप्लीट हो गई अच्छा एक बात और याद रखना उच्च स्तर पर मतलब जैसे हम यूकैरियोटिक है है ना तो हमारे में क्या होता है क्रोमेटिन के पैकेजिंग के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है मैं पहले ही बताया था बिना प्रोटीन के ये क्वाइल्ड नहीं हो सकता प्रोटीन जरूरी है अब प्रोटीन वाला पार्ट है जिसे सामूहिक रूप से गैर हिस्टोन प्रोटीन भी कहा जाता है नॉन हिस्टोशन क्रोमोसोमल प्रोटीन एन भी कहते हैं एन नॉन हिस्टोमल क्रोमोजोम्स इसे हम कहते हैं ठीक है क्रोमोजोम्स तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ मात्रा में क्वाइल्ड करने के लिए हमें न्यूक्लियोसोम तो चाहिए बट क्या होता है न्यूक्लियोसोम तो सिर्फ इतना ही क्वाइल्ड कर रहा है थोड़ा सा लेकिन अगर बहुत ज्यादा क्वाइल्ड करना है तो कई बार कुछ ऐसे प्रोटीन भी चाहिए जो हिस्टोन से अलग है जो हिस्टोन से अलग है तो यही इस लाइन का मतलब है कि कभी कभी उच्च स्तर पर बाइंड करने के लिए ज्यादा क्वाइल्ड करने के लिए कुछ ज्यादा ही कुंडलित करने के लिए जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो ठीक है भाई देखो इस तरह से क्वाइल्ड करना न्यूक्लियोसोम कर दिया लेकिन इससे ज्यादा ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा क्वाइल्ड करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए जिम्मेदार है नॉन हिस्टोमल प्रोटीन ऐसे प्रोटीन जो हिस्टोन नहीं है ऐसे प्रोटीन जो हिस्टोन नहीं है उन प्रोटीन्स के विषय में हमें बात करनी है कि वो नॉन हिस्टोमल प्रोटीन है और ऐसा बनने वाला जो क्रोमोजोम है उसे नॉन हिस्टोमल क्रोमोजोम कहा जाएगा ये हमारा आज का कार्यक्रम कंप्लीट हो गया तो इस तरह से हम लोगों ने डीएनए के बारे में आनुवांशिक पदार्थों के बारे में सारी बात पढ़ ली मैं एक बार फिर से आप लोगों से पूछना चाहूंगा आप लोग रिवीजन करिए सबसे पहले मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने बताया था कि आनुवंशिक पदार्थ जो है नॉन हिस्टोन क्यों क्योंकि हिस्टोन तो एक सिंपल है हिस्टोन न्यूक्लियोसोम बनाता है नॉन हिस्टोन मतलब उसके अलावा बाकी सारे भाग को हम नॉन हिस्टोन कह दिए ठीक है अखिलेश यादव जी के जानना है कि डीएनए में कितने जीन कितना क्या होता है तो ये इसका कोई स्पेशल सवाल नहीं है ये हर किसी में अलग अलग रहता है ठीक है जैसे मैंने आपको बताया कि मनुष्य में हम न्यूक्लियोटाइट के आधार पर नाम जान सकते हैं ठीक है न्यूक्लियोटाइट के आधार पर कि हर क्रोमोजोम में जैसे आपको पता है हमारे पास छियालीस क्रोमोजोम है ना सब अलग अलग आकृति के होते हैं आप लोगों को थर्ड या फोर्थ चैप्टर में जब मैं जेनेटिक्स वाले चैप्टर में मैं आप लोगों को जब बीमारी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि वाई क्रोमोजोम सबसे छोटा होता है उसके पास मात्र दो टू सिक्स या टू एट्टी सिक्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड होता है किसी किसी के पास में दो हज़ार भी होता है तो ये हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा हम लोगों को आगे पढ़ेंगे कि हर क्रोमोजोम्स के पास में अलग अलग न्यूक्लोटाइड होते हैं उनका आकार अलग अलग रहता है उनकी आकृति अलग अलग रहती है तो हम इससे बात कैसे करते हैं ठीक है उस पर समझ में आएगा अच्छा राम मीणा ने पूछा डीएनए की खोज किसने की डीएनए की खोज के लिए अलग अलग साइंटिस्ट जिम्मेदार थे ठीक है पहली बार डीएनए को पता लगाने वाले साइंटिस्ट का नाम जो था वो उसमें वॉटसन क्रिक भी आते हैं ठीक है इसके अलावा साइंटिस्ट जो है निकोलसन पूरन इन साइंटिस्ट भी थे इसके अलावा और भी बहुत अलग अलग कंडीशन टाइप का किसी ने उसका न्यूक्लियोटाइड को खोजा था किसी ने उसे न्यूक्लियन नाम दिया था तो हम इसकी जब टॉपिक में पहुंचेंगे ना तो हम उसको बताएंगे कि डीएनए के एग्जैक्टली पहली बार किसने आइसोलेट किया था देखा किसी और ने था आइसोलेट किसी और ने किया था तो मैं उसको पॉइंट वाइज समझाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा ठीक है अब देखो भाई अब यहाँ पर डीएनए का वर्क क्या रत्नेश यादव ने पूछा है कि डीएनए नहीं होता तो आपका पूरा शरीर का जो स्ट्रक्चर है जो बनना है वो नहीं हो पाता डीएनए कैसे काम करता है यही आज चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है तो हम उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा ठीक है ऋषि पांडे बहुत तेज हो रहा है बेटा टोपो आइजोमरेज पढ़ने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अभी हम उसके आगे बढ़ने वाले हैं ठीक है कि कैसे टोपो आइजोमरेज डी एन को अलग करता है वो वहां तक आपको पता चल जाएगा ठीक है हिस्टोमल प्रोटीन पॉजिटिव और नेगेटिव डीएनए हमेशा नेगेटिव चार्ज होता था वो पॉजिटिव चार्ज पुरानी वीडियोस फटाफट पढ़ा करो देखा करो ऐसे सवाल पूछने ही नहीं जाएंगे ठीक है राहुल जयसवाल इंस्टीट्यूट वैसा नाम कुछ नहीं ठीक है किस ह्यूमन में कितने बेस पेयर होते हैं ये सवाल पूछा आप रिजेश कुमार क्यों लास्ट क्लास नहीं पढ़े हो बेटा पूछ लो अच्छी बात है मैं बता दूंगा उससे भी अच्छी बात है लेकिन ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछ के और थोड़ा सा समय वेस्ट होता है कल ही मैंने बताया आपको थ्री इंटू थ्री इंटू टेन की पावर जो होता है सिक्स की जो पावर नाइन जो बेस पेयर होते हैं वो पाया जाता है कल ही पढ़ाया तो जो पढ़ाई गई चीजें उसको तो कम से कम मत पूछो जो डायरेक्ट लाइन है जो थोड़ा सा डिटेल है जो परेशानी का सबब बन सकता है उसको पूछो तो समझ में आ जाएगा कल का पी डाल दिया है भाई मैंने कल का पी भी आपको मिल गया होगा ठीक है ऋतुराज जी मिल जाएगा ठीक है प्रो प्रोटीन पॉजिटिव हमेशा नहीं होता साक्षी शर्मा हिस्टोन प्रोटीन बस वो पॉजिटिव है और क्षारी होता है कारण है उसके पीछे कि उसके पास लाइसिन और आर्जिनिन होता है ये बात ध्यान पर रखिएगा हमारी बॉडी में आर पाया जाता है बिल्कुल पाया जाता है राम मीना बिना आर के हमारे शरीर में कोई प्रोग्राम हो ही नहीं पाएगा डी एन मतलब डायरेक्टली कुछ नहीं कर पाता आरएनए जरूरी है यही तो अभी हम समझने वाले हैं ना थोड़ा सा अगला पार्ट पूरा का पूरा डीएनए आरएनए के फंक्शन कार्यक्रम सबको समझाएगा धैर्य बस रखिए सब कुछ समझ में आएगा ठीक है हाँ जो कल क्लास नहीं लिए उन्हें भी इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कल की क्लास आप नहीं पढ़े हैं इसीलिए तो आपको समझ नहीं आया पढ़ा करो समझ में चलो तो अब हम समझते हैं यहाँ पर कि जो मटेरियल है वो आगे बढ़ा कैसे ठीक है किसने उसे उसके बारे में बताया कि क्या क्या चीजें होती हैं उसमें कहां पे क्या डीएनए कैसे पता चला कि डीएनए क्या होता है वगैरह 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 सब कुछ है ना एक मिनट पानी पी लो फिर पढ़ाता हूं एक मिनट ना हाँ तो अब हमें क्या करना है कि ये जो जितना भी टॉपिक है जितना भी हमें पढ़ जो हुआ है रोशनी को, को हम इसके बारे में आगे बात बताएंगे ठीक है ठीक है बताएंगे कि कितने प्रकार का होता है आर एन एस एस आर एन ए जितने भी हैं बहुत सारे प्रकार है ना मैं सिर्फ अभी वर्बली बोल भी दूंगा तो आपको समझ में तो आएगा नहीं तो या आ भी जाएगा तो अच्छे सबको तो आएगा नहीं इसलिए जब मैं पूरा उसका डिटेल जब उस पार्ट में पहुंचूंगा ना समझ में आएगा अगले विषय पर हम यही सब पढ़ने वाले तो देखो भाई हमने डीएनए की संरचना पता लगा ली लेकिन डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है इसको पता लगाने वाले कौन से साइंटिस्ट थे तो अब यहां से शुरू होगा एक्सपेरिमेंट मतलब खोज कैसे कार्यक्रम शुरू हुआ कहां पर क्या क्या बातें समझ में आएंगी ये सब शुरू करते हैं ठीक है तो ये सब जो है ये देखो अभी ये किसी ने कह दिया मैसेंजर राइबोजोमल ट्रांसफर ये सिर्फ तीन नहीं है एस एस आर एन ए टी मतलब एच ऐसे बहुत प्रकार है तो जब मैं उस पार्ट में पहुंचूंगा तब मैं पहुंचूंगा अधूरा मत पढ़ा करो कभी ठीक है तो हम आगे बात करेंगे अभी बिल्कुल आगे बातचीत कोई नहीं करेगा ठीक है सुनते बस रखो थोड़ा सा ध्यान रखा करो क्योंकि जो चीज अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं उसके बारे में बताऊंगा ना तो बहुत कंफ्यूजन होगा अभी कोई बात नहीं करेगा तो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल पार्ट नंबर सेवन सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल कि जेनेटिक मटेरियल को सबसे पहले खोजने की जरूरत पहचाना गया कैसे था उससे पहले दो बातें क्रोमेटिन जो होते हैं जो कॉइल्ड होता है वो दो प्रकार के होते हैं एक का नाम होता है मतलब जो हो, हो, इसे है इसे यूक्रोमेटिन कहते हैं और दूसरा वर्ड आता है हेट्रोक्रोमेटिन इन दोनों को सुन लो और भूल जाना बस एक केंद्रक जिसमें होता है कुछ जगहों पर क्रोमेटिन जो है ढीले ढाले बंधे रहते हैं कभी कभी पूरी तरह से क्वाइल्ड नहीं होते ये हल्के अभिरंजित होते हैं हल्का हल्का इनमें रंग आता है पूरी तरह से बंधे हुए नहीं रहते इन्हें यूक्रोमेटिन कहा जाता है इस पर क्या सवाल आता है वो भी बहुत पूछूंगा मैं सिर्फ एक सवाल पूछा जाएगा और वही एक सवाल क्या होगा मैं बताता हूं तो क्या समझ आया क्रोमेटिन दो प्रकार के हैं एक कोई ढीले ढाले बंधे रहेंगे उनका नाम है यूक्रोमेटिन मतलब थोड़ा सा खुला हुआ रहेगा और एक बहुत ज्यादा एकदम टाइटली बाइंड रहेंगे उसे हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन क्या कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन इनका रंग थोड़ा सा हल्का रहेगा इनका रंग एकदम गाढ़ा रहेगा ठीक है जैसे मान लो ये पार्ट है तो ये थोड़ा सा खुला हुआ है तो ये हेट्रोक्रोमेटिन है टाइट बंधा हुआ है तो हल्का है तो यूक्रोमेटिन है दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया वॉट द डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन ट्रोक्रोमेटिन जो हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन जो है इसको क्या मतलब है यूक्रोमेटिन मतलब जो जो ढंग से बंधा नहीं थोड़ा सा हल्का रंग दिखाई देगा ठीक है और गाढ़ा रंग दिखाई देगा उसका नाम है हेट्रोक्रोमेटिन अब एक सवाल पूछा जाता है कि इन दोनों में से ज्यादा क्रियाशील है कौन यह सवाल हमेशा नीट में पूछा जाता है हमेशा पूछा जाएगा तो यह ध्यान पर रखिएगा ठीक है कुछ दिख नहीं रहा है हाँ ये बात तो है ठीक है तो अब हम कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है वो ऐसे ही सॉल्व हो जाए और नहीं सॉल्व होते हैं तो बस एक बार लिख के बता इसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं भाई थोड़ा सा ठीक है तो सुनो तो ये समझ आया ना क्रोमेटिन देखो फिर ये डिस्टर्ब दिस, दिस, कर देते हो थोड़ा सा आखिरी टाइम पर जब मैं बोला हूँ क्या बेहतरीन पार्ट पढ़ा रहा हूँ इस टॉपिक में अगर कर ऐसा करोगे ना तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ थोड़ा सा सुनो मेरी बात को तो थोड़ा सा धीरे धीरे थोड़ा सा समझो तो जो क्रोमेटिन है वो दो प्रकार का होता है यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन समझ आई दोनों की बातें कि ये ज्यादा हल्का बंधा हुआ रहेगा ये थोड़ा सा टाइट बंधा हुआ रहेगा ठीक है अच्छा अब इन दोनों में डिफरेंस क्या पूछा जाता है कि ये ज्यादा एक्टिव रहेगा ये जो बात है वो थोड़ा सा लिखना ज्यादा एक्टिव मतलब क्या रहेगा थोड़ा सा एक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं थोड़ा सा क्रियाशील रहेगा क्या रहेगा क्रियाशील आप ये शब्द यहां पर लिखेंगे जब भी आप इसको नोट एड करेंगे ना तो अपने रफ कॉपी में लिख लो कि यह क्रियाशील रहेगा और यह थोड़ा सा कम क्रियाशील रहेगा अब क्यों कारण है क्यों मैंने कह दिया कि यह क्रियाशील है और यह कम क्रियाशील है अब ध्यान से मेरी बात को सुनो देखो भाई जो ज्यादा बंधा हुआ टाइट बंधा हुआ रहेगा एकदम टाइटली बॉन्ड बनाकर रखेगा वो क्रिया करेगा क्या बिल्कुल नहीं करेगा जो थोड़ा सा हल्का खुला हुआ रहेगा उसमें क्रिया करने के चांसेस थोड़ा सा क्या है ज्यादा है उसे क्रिया करने के चांसेस क्या है ज्यादा है तो इस वजह से यह बात याद रखना कि यह थोड़ा सा क्रियाशील सक्रिय रहेगा और यह थोड़ा सा कम क्रियाशील रहेगा कारण यह है कि टाइट बंधा हुआ है एकदम mm -hmm. स्पेशल बॉन्ड बनाकर रखा हुआ है इस वजह से यह थोड़ा सा कम क्रियाशील है और यह अधिक क्रियाशील है नीट में पूछा गया सवाल है ध्यान से सुनिएगा अब शुरू होता है इस चैप्टर के सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट सबसे उलझे हुए टॉपिक जिस पे हमें बात करनी है और ये समझना बहुत जरूरी है और ये मैं पहले अपने तरीके से पढ़ाऊंगा फिर मैं आपको नोट करूंगा तो जो चीज मैं बता रहा हूं एज इट इज ऐसा ही आप लोग बाद में वीडियो देखकर नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में ठीक है थ्योरी नहीं समझाऊंगा समझाऊंगा सबसे पहले आप लोगों को काम करने का तरीका क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है ये मैथमेटिक्स जैसा है इसके बाद ये इसके बाद ये इसके बाद ये तो थ्योरी में पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा तो मेरा तरीका इसको अपने आप को पढ़ाने का पहले उसे पढ़ो फिर हम आगे डिटेल पढ़ेंगे ठीक है चलो भाई तो अब हम शुरू करते हैं कि दर्ज फॉर द जेनेटिक मटेरियल हम सब कुछ जानते हैं हमें प्रोटीन पता है हमें डीएनए पता है हमें आरएनए पता है लेकिन आनुवांशिक पदार्थ कौन है आनुवांशिक पदार्थ कौन है उसकी खोज करनी है कौन है वो जो हमारे शरीर के लक्षणों को निर्धारित करता है जो हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है लक्षण ये नाक यहाँ पर रहेगा कान यहाँ पर रहेगा कौन बनाता है इसकी खोज अब हमें करनी है तो ये है आनुवांशिक पदार्थ का कहानी ठीक है अनुवांशिक पदार्थ को खोजा कैसे तो शुरुआत करते हैं एक बेसिक साइंटिस्ट की बातों के अनुसार फिर मैं अपने बेसिक बारे में बात करूंगा तो इसके बारे में यह कहानी है कि एक्सपेरिमेंट सबसे पहले शुरू हुआ इस एक्सपेरिमेंट को किया था ग्रिफिथ साहब ने किसने किया था ग्रिफिथ साहब ने ध्यान से मेरी बात को सुनना सबसे पहला एक्सपेरिमेंट तो फिर हम आगे बात करेंगे कि होता क्या है, वगेरा, 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 सब कुछ हम इसके बारे में बात करेंगे तो पहले मेरा कॉन्सेप्ट सुन लो ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा ठीक है सुनो बात को साइंटिस्ट का नाम क्या था तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिख लो कि साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिथ ठीक है ग्रिफिथ साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ नाम था इसे हम कहते हैं ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हिंदी में क्या कहते होंगे ट्रांसफॉर्मिंग को हिंदी को हिंदी में कहते हैं ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को रूपांतरी सिद्धांत क्या कहते हैं हम इसे ग्रिफिथ का रूपांतरीय सिद्धांत रूपांतरी सिद्धांत अब इसका मतलब क्या है ध्यान से मेरी बात सुनते जाना बहुत बेसिक नियम है बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर बनाया गया है रूपांतरित सिद्धांत इसे कहा जाता है ठीक है इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन्हीं के भाई थे जो सबसे पहले जो ना डीएनए को खोजे थे इनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ और इनके भाई का नाम था फ्रेडरिक मिशर कहना था फ्रेडरिक मिसर वही थे जो सबसे पहले बताया था कि वॉट इज डीएनए डीएनए को सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट इनके भाई थे इनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ और उनका नाम था फ्रेडरिक मिसर ध्यान पे रखिएगा ठीक है तो शुरू करते हैं यहां से अब एकदम कोई बिल्कुल ध्यान से सुनते रहो कोई बातचीत नहीं करेगा कोई आपस में कोई सोचेगा नहीं कोई सुनेगा नहीं सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं बस उतना ध्यान पे रखना फ्रेडरिक ग्रिफिथ रूपांतरण सिद्धांत ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल शुरू करते हैं सबसे पहले इन्होंने क्या क्या उपयोग किया तो सबसे पहले मैं एक्सपेरिमेंट जब भी शुरू करता हूं ना तो मैं ये बताता हूं कि इस भाई साहब ने उपयोग क्या क्या किया था तो सबसे पहले इन्होंने उपयोग किया एक बैक्टीरिया को किसको उपयोग किया बैक्टीरिया को बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस ध्यान से बस मेरी बात सुनते जाना एक सवाल पहला आंसर आया कि इसने बैक्टीरिया को उपयोग किया कौन सा बैक्टीरिया तुरंत अगला सवाल आया स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी ठीक है ऐसे ही लिखने जाना भाई न्यूमोनी तो स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी किसी को हिंदी और इंग्लिश में परेशानी नहीं होनी चाहिए आप अपने शब्दों में आप इसे लिख सकते हैं तो इसने इस बैक्टीरिया का उपयोग किया जिसका नाम था स्टेप्टोकस न्यूमोनी यह फैलाता था न्यूमोनिया ये फैला कौन सा बैक्टीरिया है जो न्यूमोनिया फैलाता है ठीक तीन बातें मैंने आपको बताई कि शुरुआत किया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने इसने एक बैक्टीरिया का उपयोग किया बैक्टीरिया का नाम था स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी और ये होता है फैलाता है न्यूमोनिया विच कॉज न्यूमोनिया जो न्यूमोनिया को बीमारी को फैलाता है ठीक है स्टेप्टोकोकस नॉट डिप्लोकोकस थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनिए डिप्लोकोकस नहीं स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी दोनों में जमीन आसमान का फर्क है स्टेप्टोकोकस और डिप्लोकोकस uh, में स्टेप्टोकोकस याद रखेंगे ठीक ध्यान रखेंगे छोटी छोटी बातों पे अपने आप को परेशान नहीं करना है यही बात अगर ऑप्शन में आ गई कंफ्यूज हो जाएंगे तो न्यूमोनिया जो न्यूमोनिया न्यूमोनिया फैलाता है डिप्लोकोकस मनुष्य को न्यूमोनिया फैलाने के लिए जरूरी है स्टेप्टोगोनी चूहो को भी न्यूमोनिया फैलाता है ठीक इसकी प्रॉपर्टी समझते हैं जो स्टेप्टोग न्यूमोनिया होता है बच्चे दो प्रकार का होता है सभी लोग जानते हैं आजकल कोरोना के बारे में सभी लोग जानते हैं कि इसके पास होता है वेरियंट क्या होता है वेरियंट तो इसके पास में भी स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया के पास में भी दो वेरियंट होता है वेरियंट का मतलब आप लोग जानते हैं जिसको हम कहते हैं रंजक कलर है ना तो वेरिएंट मतलब समझ गए ना डेल्टा वेरिएंट कोरोना की वजह से सभी लोग इस बच्चे को समझ ही गए होंगे है ना तो दोनों के बाहर की आकृति में फर्क है दोनों की आकृति में दोनों की संरचनाओं में फर्क है उसी को हम कहते हैं वेरिएंट कि कोरोना का वेरिएंट बीटा वाला ऐसा है इसका वाला वैसा है इसी को हम लोग पढ़ रंजक तो यहां पर स्टेप्टोकोकस के दो स्ट्रेन दिखाई दिए स्ट्रेन मतलब समझ गए ना स्ट्रेन मतलब समझे कि नहीं समझे जल्दी बताओ स्ट्रेन मतलब रंजक ये अलग अलग प्रकार के दिखाई दिए रंजक मतलब अलग अलग कलर में दिखाई दिए ये जो दो प्रकार का रंजक दिखाई दिया स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया का एक का नाम होता है एस स्ट्रेन ध्यान से मेरी बात सुनते रहना एस स्ट्रेन और दूसरे का नाम होता है ऐसे ही पूरा समझना है फ्लो चार्ट यही है और यही है इसकी सबसे गुड बातें ध्यान से सुनते रहोगे सब समझ में आएगा थ्योरी पढ़ते जाओगे सब बकवास तो स्टेप्टोकस न्यूमोनी दो प्रकार का है। एक एस स्ट्रेन और एक आर स्ट्रेन इसमें क्या अंतर है इसका नाम होता है स्मूथ इसका नाम क्या होता है क्यों इसको एस कहा गया स्मूथ इस स्ट्रेन स्मूथ मतलब समझ गए ना स्मूथ का मतलब होता है एस इस इसीलिए नाम रखा गया स्मूथ मतलब सभी लोग जानते हैं क्या होता है आ, मतलब अच्छा स्मूथ मतलब क्या होता है हिंदी में सामान्य मतलब बढ़िया चमकदार बेहतरीन ठीक है शाइनी शाइनी कह सकते हो इसको शाइन करता है चमकदार ये चमकता है चमकदार होता है और आर का मतलब होता है रफ रफ का मतलब क्या होता है बिना चमक का रफ मतलब रद्द वाला रफ ये रब रफ है तो दो स्ट्रेन है एक एस स्ट्रेन है और एक आर स्ट्रेन ये स्मूथ शाइन कर रहा है ये चमकदार नहीं है बिना चमक का है ये बिना चमकदार चमक का है तो ये तो इन दोनों में ये डिफरेंस है अब सवाल ये उठता है भाई कि ठीक है तुम चमकदार हो हमको कोई परेशानी नहीं लेकिन चमकदार क्यों हो इसके पीछे ये रीजन है कि मान लो ये बैक्टीरिया है ये एक बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के बाहर में एक कोट पाया जाता है कोट मतलब बाहर की तरफ में एक ऐसा कवरिंग पाया जाता है तो जो स्मूथ एस स्ट्रेन है ना इनके पास में दे हैव यहां पर आप ये लाइन लिखेंगे कि दे हैव इनके पास में क्या है दे हैव पॉलीसेकेराइड पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है सेकेराइड मतलब सरकरा तो पॉली का मतलब होता है बहु और सेक्राइड का मतलब होता है सरकरा सभी विद्यार्थी इस बात को बहुत आसानी से समझते होंगे कि सरकरा तीन प्रकार की होती है disaccharide, तो ये एक बहुत बड़ी सरकरा दे हैव पॉलीसेट सरकरा पाया जाता है तो जिनके पास में पॉलीसेकर सरकरा पाया जाता है उनकी बाहर की तरफ में जिसकी वजह से वो चमकदार होता है शाइनी होता है और दैट्स वाई इसका नाम एस स्ट्रेन है मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया मैं क्या बोला का स्ट्रेन जो पहला प्रकार है एस स्ट्रेन वो शाइनी दिखाई देता है चमकदार दिखाई देता है क्यों दिखाई देता है तो इसका जवाब यह है कि दे हैव इनके पास होता है क्या पॉलीसेकर

ठीक है थोड़ा बहुत ज्यादा हिंदी मत पढ़ो थोड़ा सा इंग्लिश मिला के पढ़ो बहुत परेशानी में पहुंच जाओगे अगर ऐसा हिंदी में पढ़ोगे तो जेनेटिक्स है मेरे दोस्त ये हिंदी नहीं होता यहां पर तो बहुसरकरा पाया जाता है यह बहुसरकरा जो है बच्चे पॉलीसरकरा जो है ये थोड़ा सा विषैला होता है ये पैथोजन होता है क्या होता है पैथोजन पैथोजन का मतलब होता है विषैला जो बीमारी फैलाने वाला होता है ठीक है बीमारी फैलाने वाला तो ये बीमारी फैलाता है बीमारी फैलाता है तो जिस जिस के पास में ये एस स्ट्रेन पाया जाएगा जिसके पास में ये पॉलीसेक्राइड पाया जाएगा वो विला होगा बीमारी फैलाता है और कौन सी बीमारी उसका नाम होता है न्यूमोनिया तो जिसके पास में ये पॉलीसेक्राइड रहेगा जिसके पास में ये पॉलीसेक्राइड रहेगा उसके पास वो न्यूमोनिया फैलाएगा बीमारी फैलाएगा ये कॉन्सेप्ट हो गया आर स्ट्रेन दे लैक ये इनके पास में पॉलीसेकेराइड का अभाव होता है पॉलीसेकेराइड और एक बात बता रहा हूं मैं शुद्ध हिंदी में मैं लिख भी दूंगा लेकिन इंग्लिश देखना अभी बुक में हिंदी में देखना वो भी पूरा पॉलीसेकेराइड ही लिखा रहता है तो हिंदी में बस पॉली और सेकेराइड लिख दूंगा तो आप लोग को बिल्कुल चैन पड़ जाएगा ठंडक पा जाएगी समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा समझो पॉलीसेकेराइड नहीं पाया जाता समझ आई मेरी बात नहीं पाया जाता तो जब इनके पास में न्यूमोनिया न्यूमोनिया नहीं फैलाता इसकी वजह से न्यूमोनिया नहीं होता है न्यूमोनिया होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेन से जिसका नाम है एस स्ट्रेन क्या बोलते हैं बच्चा लोग यहां तक आप मैं नहीं दिख रहा हूं क्योंकि लाइट गोल है जल्दी बताओ यहां पर भी समझ में आता है थोड़ा भी नहीं पाया जाता है क्या बिल्कुल नहीं पाया जाता तभी तो इसका नाम स्ट्रेन है ना ये आर स्ट्रेन ऐसा ही लाइन से लिखने की कोशिश करना यहां पर बिल्कुल यहां पर ऐसे लिखना ठीक है बिल्कुल समझना पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लो ठीक है धीरे धीरे करके जब मैं समझाऊंगा ना तभी आप लोग अब इसके पढ़ने के बाद में आपको थ्योरी एकदम गुड हिंदी फुल थ्योरी लिख दूंगा तब भी समझ में आएगी ये पक्की बात है लेकिन उससे पहले से पढ़ने से पहले यह कॉन्सेप्ट पूरा उपयोग करना जरूरी है ठीक है कुछ नहीं दिख रहा मैं नहीं दिख रहा हूं भाई आयुष बोर्ड तो दिख रहा होगा ना भाई ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट हो गया तो ये आर स्ट्रेन है ये एस स्ट्रेन है ये ये याद रखना भाई कि एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन ये दोनों उपयोग हो गया बहुत अच्छी बात है चलो अब आगे उपयोग करते हैं तो हमने क्या उपयोग किया अब उपयोग किया दूसरा एक चूहा अब एक उपयोग किया चूहा चूहा को जो बायोलॉजी में उपयोग किया जाता ना नाबरेट्री में उसे कह दिया जाता हाँ, तो हाँ उपयोग करते हैं ठीक तो है तो चूहा जो है तो इसने ये जो यूज किया दूसरा जीव जिसका उपयोग किया वो था चूहा ठीक है बोर्ड नहीं दिख रहा ये तो बड़ी समस्या भाई स्क्रीनशॉट बिल्कुल नहीं ले सकते हाँ, हर चीज किसी में चार्ट नहीं बनता है प्रतिमा ठीक है आर क्या करता है तो आर का क्या उपयोग मैं बताऊंगा ना आर कुछ नहीं करता है अभी तो चूहा ले लिया अब हमने क्या उपयोग किया तो सबसे पहले ध्यान से समझना मेरी बात को ठीक है अब कॉन्सेप्ट लाइन समझ में आएगी मेरी तो सबसे पहले हमने क्या किया हम लिए एस स्ट्रेन को क्या लिए एस स्ट्रेन एस रंजक को ले लिया और एस रंजक को हमने इंजेक्शन की सहायता से डाल दिया चूहा में माइस में डाल दिया ठीक है माइस में डाला तो माइस को ही बीमारी और चूहा जो होता है डाइज 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 यानी मर गया मर गया अब क्यों मर गया होगा यह बात समझ में आ गई कि नहीं आई भाई उसको होगा न्यूमोनिया बेचारे को चूहा को और चूहा बेचारा मर गया ठीक बात नहीं करोगे ध्यान से पढ़े सुनो पहले हाँ आप क्या माउस बोलते हैं कई कई माइस बोलते हैं ठीक है थीके? तो एसिस्टेंट यह लेबोरेटरी में बनाया गया माइस है एसिस्टेन को माइस में डाला गया माइस मर गया दूसरा पार्ट फिर हमने लिया आर स्ट्रेन हमने क्या लिया आर स्ट्रेन क्यों नहीं मरेगा और क्यों मरेगा समझते हो इसको भी डाल दिया किसमें भाई बेटा जी चूहा में डाल दिया गया ये क्या हो गया जिंदा है अलाइव है ये बचा हुआ है नहीं मरा अभी भी क्यों नहीं मरा क्योंकि आर स्ट्रेन है ही नहीं खतरनाक उसके पास में वो दम ही नहीं है मार देने वाला थैंक गॉड भगवान थैंक्स वापस करो भगवान लाइट गायब हो गई फिर से ठीक है वापस कर लेते हैं तो मर अरे थोड़ी देर बाद मरेगा भाई अब तुरंत मरा के लेट से मरा मर गया एक्सपेरिमेंट हुआ वो चूहा मर गया थोड़ी देर बाद ही मरता है मर गया ठीक है अब इसके बाद आर स्टेन जो है माइस को अलाइव अलाइव दूसरे केस में हो गया ये बात समझना तीसरा केस अब हमने क्या किया तीसरे पॉइंट में ध्यान से मेरी बात समझो कोई भी फालतू बात अभी नहीं करो पहले इस एक्सपेरिमेंट को समझ लो बाकी सब बात बताऊंगा फिर हमने क्या किया जो एस स्ट्रेन लिया था है ना उसको कर दिया हीट किल्ड अब हीट किल्ड का मतलब क्या होता है ये बात समझो हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने से चू जो बैक्टीरिया है वो मर जाता है अगर हम इसे गर्म करेंगे हीट किल्ड है तो बैक्टीरिया मर जाएगा इसका शब्द का भी मतलब समझना हीट किल्ड ताप निजर्मीकृत इसे कहते हैं ताप गर्म कर देने पर यह मर जाता है जब ताप होने से यह मर गया तो उसका नष्ट हो गया बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया नष्ट हो गया इसको भी हमने माइस में डाला किस में डाला माइस में अब ये जो होता है ये भी अलाइव है यह एक्सपेरिमेंट का भाग था ये तीन बातें बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को ठीक है यहां पर तीन बातों को नेहा मिनट सुनो बस यहां पर समझ में आ जाएगा माइस सभी सब बता रहा हूं पहले इसको समझ लो फिर साइंटिफिक नेम पे आता हूं मैं तो ऐसे स्ट्रेन जो है माइस में डाला चूहा मर गया मतलब इसके पास में सेकेराइड था सभी लोग जानते हैं एस स्ट्रेन जो होता है इसके पास में सेकेराइड था मतलब इसे मर गया आर स्ट्रेन के पास में नहीं था इसलिए चूहा जिंदा है आर स्ट्रेन को हमने हीट किल्ड कर दिया ताप से मार दिया तो इस वजह से चूहा फिर जिंदा हो गया चौथे केस में एक अद्भुत बात नजर आई चौथे केस में ध्यान से मेरी बात को सुनना हमने क्या किया ऐसे स्ट्रेन लिया ऐसे स्ट्रेन लिया वो भी कौन सा वाला हीट किल्ड कैसा वाला लिया था हीट किल्ड लिया और साथ में ले लिया आर स्ट्रेन ये भी नहीं मार सकता दोनों नहीं मार सकते दोनों के पास औकात है ले लिया तो वो चूहा जो है बेचारा मर गया चूहा क्या हो गया मर गया अद्भुत हो गया गजब हो गया फेडरिक साहब सिर पकड़ के बैठ गए ऐसा क्या था ऐसा क्या हुआ इनके बीच में कि भाई दोनों अकर्ता ना एस स्ट्रेन मार पा रहा था ना आर स्ट्रेन मार पा रहा था दोनों नहीं मार पा रहे थे लेकिन आखिरी ये कैसे मरा ये कॉन्सेप्ट यहां पर समझ में आना चाहिए यहीं पर सारी कहानी जो है वो बनती है इसी को पढ़ लिए इसी को समझ गए तो ये सारी बातें हमको समझ में आ जाएगी कि ऐसा हुआ क्या तो ये तो था एक्सपेरिमेंट ठीक है तो इस तरह से हम लोगों को यहां पर एक मिनट ना तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या रहता है है ना है। हाँ, तो ये जो कहानी है ये इसके बेसिस में एस स्ट्रेन मर गया अब इसको भी ऊपर साइंटिस्ट जो थे अब साइंटिस्ट तो एक बार फिर से एक बार फिर से फिर भाई समझ आओ फिर से सुनो भाई कोई दिक्कत नहीं है तो ऐसे स्ट्रेन को डाला गया क्यों डाला गया ऐसे स्ट्रेन की खास बात समझ आई ना एस स्ट्रेन को डाला चूहा मर गया आर स्ट्रेन को डाला चूहा जिंदा है फिर हमने ऐसे स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया ताप से गर्मी से ताप मतलब हीट मतलब सभी लोग समझते हैं ना बेटा सब लोग जानना ताप निजर्मी ताप मृत कर दिया हमने ताप से मार डाला उसको तो उसका सेकरेड मर गया और चूहा जो है फिर जिंदा बच गया लेकिन जब ऐसे स्ट्रेन और स्ट्रेन को दोनों को मिलाया तो दोनों को मिलाने से फिर चूहा मर गया यहां पर एक बात नजर आई बताओ बेटा ऐसे स्ट्रेन का चूहा तो मर चुका था आर स्ट्रेन के पास में पॉली बनाता ही नहीं यहां पर एक नई बात नजर आती है क्या यह बात नजर आती है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है तो साइंटिस्ट लोगों ने एक दिमाग लगाया मतलब ऐसा कुछ प्रूफ नहीं किया प्रिंसिपल एक सिद्धांत बनाया कि एस स्ट्रेन स्ट्रेन ने कुछ ना कुछ ना तो आर को ट्रांसफर किया है यही है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ध्यान से मेरी बात को सुनना कि एस स्ट्रेन ने कुछ ना कुछ आर को ट्रांसफर किया है जिसकी वजह से अब ऐसे अच्छा अब यह चूहा मर गया ठीक है कोई समस्या नहीं है चूहा मर गया अब आगे सुना थोड़ी सी मेरी बात को चूहा को लिया गया इस चूहा को लाइट आ गए भाई चलो इस चूहा को लिया गया यह चूहा की एक एटॉपसी होती है एक एटॉपसी मतलब होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट एटॉपसी की गई उसका पोस्टमार्टम किया गया देखा गया कि उसके अंदर जो है ना एटॉप्सी करने के बाद हमें पाया गया कि उसके अंदर पॉलीसेकेराइड था पाया गया क्या पॉलीसेकेराइड ठीक है ध्यान से मेरी बात समझना जब हम इस चूहे को उठाए तो पाया उसकी एटोपसी की पोस्टमार्टम किया तो पोस्टमार्टम करने के बाद पाया गया कि उसके शरीर में पॉलीसेकेराइड है दिमाग खराब हो गया एकदम दिमाग खराब हो गया सुन लो मेरी बात को फिर कमेंट देखूंगा आप लोगों के मैं कि एस स्ट्रेन तो मर चुका है आर स्ट्रेन तो बना ही नहीं सकता आर स्ट्रेन के पास में तो पावर ही नहीं है ठीक है आर स्ट्रेन तो जानता ही नहीं है लेकिन एस स्ट्रेन तो हम तो मार चुके हैं सीधी सी बात है ना वो बात होती है कि बाहुबली को तुमने तो मार दिया है और उसकी देव से ना वो मार नहीं सकती तो आखिर ये ताकत आई कहीं कहीं ना कहीं बाहुबली ने जो पैदा किया है वही प्रॉब्लम है तो बाहुबली ने अपने बेटे को ट्रांसफॉर्म कर दिया है पॉइंट कि ये जो चूहा मरा है इसके पास ये आया तो आया कैसे तो यहां पर एक बात साइंटिस्ट लोगों ने निकाली कि भाई देखो हमने ऐसे स्ट्रेन को तो मार डाला है बाहुबली इज नो मोर बाहुबली मर चुका है तो ये ऐसे स्ट्रेन तो मर चुका था लेकिन आर स्ट्रेन तो जिंदा था तो आर स्ट्रेन को पट्टी पढ़ाई गई है एस स्ट्रेन ने आर स्ट्रेन में कुछ ना कुछ तो ट्रांसफर किया है जिसकी वजह से आर स्ट्रेन जो है अब एस स्ट्रेन में बदल गया है एस स्ट्रेन में बदल गया एस स्ट्रेन में बदल गया का मतलब यह है कि अब यह जो है सेकेराइड बनाना शुरू कर दिया साइनी कल्चर में बदल गया अब ये आर स्ट्रेन साइनी कल्चर में बदल गया यही एक्सपेरिमेंट आता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कि कैसे एस स्ट्रेन की मदद से आर स्ट्रेन अच्छा एस वाला कौन सा वाला एस एस हीट किल्ड की मदद से ये जो मर चुका है इसने कुछ ऐसा अच्छा कुछ ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ था कि क्या ट्रांसफर हुआ वो अगले एक्सपेरिमेंट में प्रूव होगा कि उसने ट्रांसफर क्या किया है तो ऐसे स्ट्रेन का जो हीट किल्ड वाला भाग है जो मर चुका था वो मरते मरते कुछ ना कुछ चीज तो ट्रांसफर किया है क्या किया है वो अगले एक्सपेरिमेंट में क्लियर होगा ट्रांसफर किया है जिसकी वजह से अब आर स्ट्रेन जो है एस स्ट्रेन में ट्रांसफर हो गया है एस स्ट्रेन में ट्रांसफर स्ट्रेन में बदल गया एस स्ट्रेन जो है सैकेराइट बनाया और चूहा जो है वो मर गया चूहा क्या हो गया मर गया एक्जैक्टली वो डुप्लीकेट वाली कहानी सुने हो ना डुप्लीकेट वाली कहानी कि एक लड़का था एक मूवी थी मुझे याद आ रही है साउथ इंडियन मूवी यवड़ू ठीक है यवड़ू में क्या होता है एक है अल्लू अर्जुन एक नाम है रामचरण तेजा ठीक है अब क्या हुआ रामचरण तेजा जो है रियल वाला उसको बहुत अच्छा हीरो था वो बहुत अच्छा समाज सेवा करता था उसको किसी गुंडे ने मार डाला मार डाला मर गया रामचरण तेजा अब क्या करें भाई तो अल्लू अर्जुन का भी उसी गाड़ी में एक्सीडेंट होता है उसकी मां ने मरते मरते अल्लू अर्जुन को रामचरण तेजा में कन्वर्ट कर दिया समझ आई मेरी बात तो दैट इज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कि व्हेन अल्लू अर्जुन के ट्रांसफॉर्म इनटू तेजा दैट सिंपल नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मुझे उम्मीद है आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पा। अच्छा इस एक्सपेरिमेंट ज्यादा उम्मीद मत करना भाई क्यों है ना उन्नीस सौ जमाने में एक्सपेरिमेंट हुआ था ज्यादा लॉजिक की उम्मीद नहीं करिए ठीक है कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि यहां पर कैसे ट्रांसफर हो गया अच्छा पॉलीसेकेराइड को हीट किल्ड कर दिया गया था चूहा मरा था मतलब उसका स्ट्रेन मरा था स्ट्रेन मरा था यही तो कॉन्सेप्ट है ना भाई कि अब अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि ये ट्रांसफर हुआ कौन होगा ये ट्रांसफर हुआ था डीएनए आनुवंशिक पदार्थ कि एस के हीट किल्ड की वजह से कुछ आनुवांशिक पदार्थ ट्रांसफर हुए हैं हमने उसे कहा सिर्फ और सिर्फ आनुवांशिक पदार्थ हमने माना कि इसने कुछ आनुवांशिक में में अपने माता पिता से कैसे पैदा हुए अनुवंशिक पदार्थ की वजह से इंसान का बच्चा इंसान कैसे बनता है अनुवंशिक पदार्थ की वजह से उनके पास भी नाक मेरे पास भी नाक एक जैसे कैसे आती है अनुवांशिक पदार्थ की वजह से तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है ठीक है ये शी जो होता है समझ में आई मेरी बात यहां पर क्लियर होना चाहिए किसी को समझ में नहीं आया तो समझाना फिर मैं थ्योरी में आप लोगों को समझाऊंगा ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मेरी बात समझ आई चूहा मरा है चूहा मरा तो उसका एटॉप्सी किया गया पहचाना गया उसको खोजा गया तो खोजे तो पता चला उसके अंदर सेक्रेट मिला भाई ये तो आर तो बना ही नहीं सकता मतलब ऐसे स्ट्रेन ने कुछ ना कुछ ट्रांसफर किया है तो ऐसे स्ट्रेन क्या करता है इसका जो आनुवांशिक पदार्थ है वो ट्रांसफर कर दिया आर के पास में आर को भेज दिया अब आर जो नहीं बना सकता था अब आर बनाना शुरू करेगा और आर जो है वो पॉलीसेकेराइड बनाएगा और जब जब आर पॉलीसेकेराइड बनाएगा मतलब वो अब ऐसे स्ट्रेन बन गया तो स्ट्रेन मरता हुआ एस स्ट्रेन ने कुछ आनुवांशिक पदार्थों को ट्रांसफर करके आर को दे दिया जिसकी वजह से आर गेट ट्रांसफॉर्म इन टू एस स्ट्रेन और दैट इज अंपल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल विच इज गिवन फ्रॉम क्रिफिथ समझ आई मेरी बात इस तरह से यहां पर समझ में आ सकता है कि अनुवांशिक पदार्थ इस एक्सप्लेन नहीं कर सका हाँ ये जेनेटिक डीएनए गया कि नहीं मैं कुछ मैं बोल रहा हूं क्या मैं मैं इसकोर एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं कुछ बोला कि क्या गया मैंने सिर्फ क्या लिखा आनुवांशिक पदार्थ अभी यह पता नहीं चला है कि वो क्या गया है वो कौन ट्रांसफर हुआ है ये बिल्कुल पता नहीं चला वो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में समझ आएगा फिर उसके आगे और एक्सपेरिमेंट मैंने कुछ नहीं ओपन किया है मैंने सिर्फ ये कहा कि ग्रीफित साहब ने ये कहा कि कुछ ना कुछ ट्रांसफर हुआ है जिसकी वजह से आर स्ट्रेन रूपांतरित हो गया है रूपांतरित हो गया है किसमें आर रूपांतरित हो गया एस स्ट्रेन में थोड़ा सा धैर्य रखो ना यार धीरे धीरे समझ आएगा ना वो क्या गया क्यों गया कैसे गया बात का विषय अभी सिर्फ इतना समझना है लेकिन तो मर चुका था ना तो फिर कैसे ट्रांसफर हुआ यह गजब की बात है डीएनए कभी भी मरता नहीं डीएनए कभी भी मरता नहीं ये कॉन्सेप्ट है डीएनए हमेशा स्टेबल रहता है आगे समझ आएगा ना भाई यही तो बोल रहा हूं मैं सारा सस्पेंस खत्म कर दिया तुम लोग सस्पेंस नहीं रखना है हुआ बस पहले याद रखो सस्पेंस अगला पार्ट है कि वो कैसे ट्रांसफर हुआ समझ आई मेरी बात ये कम्प... बिल्कुल शो नहीं हो रहा है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल कोई जेनेटिक मटेरियल के बारे में पता नहीं चला यहां पर सिर्फ ये बात पता चली कि कुछ ना कुछ ट्रांसफर तो हो रहा है और वो जो ट्रांसफर हो रहा है वही आनुवांशिक पदार्थ है बस साहब ने यही बताया कि आनुवांशिक पदार्थ की वजह से आर जो है एस में ट्रांसफर हो गया दैट्स ऑल खत्म बस यहीं पर खत्म हो गया टाटा बाय बाय बस इतना ही करना है समझ आई मेरी बात यहां तक क्लियर है या स्नो जल्दी बताओ यहां पर आनुवांशिक पदार्थ कभी मरता नहीं है भाई आनुवांशिक पदार्थ कभी मरता नहीं अरे भाई बाय नहीं कर रहा हूं मैं पूछ रहा हूं बाय नहीं कर रहा हूं अभी समझ आएगी नहीं बात ये वाले अब ये इतने एक्सपेरिमेंट को ऐसे ही समझना पूरा कॉन्सेप्ट फ्लो चार्ट बनाकर रखना तब समझ में आएगा अब मैं इसके थ्योरी आपको समझाता हूं देखो अब यहां पर ठीक है फ्रेड ग्रिफिथ ने 1928 सबसे इंपॉर्टेंट बात 1928 में बताया था क्या क्या यूज किया था माइस को साथ में न्यूमोनी को कोई भी बच्चा हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाया दोनों याद रखना ठीक है ओके क्या क्या यूज किया एक स्मूथ स्ट्रेन लिया इसे वायरलेंट कहते हैं क्योंकि ये बीमारी फैलाता है क्यों ये बीमारी फैलाता है क्योंकि इसके पास में पॉलीसेक्राइड होता है ये न्यूमोनिया फैलाता है स्ट्रेन ये है, इसके पास कोई भी का कोट नहीं होता को नहींता चूहा नहीं तो, नहीं मर गया ठीक है हमने आर स्ट्रेन डाला चूहा जिंदा है कोई परेशानी बात नहीं है हीट किल्ड कर दिया गर्म कर दिया तो उसके बाद हीट किल्ड करने के बाद जो है ऐसे स्ट्रेन गर्म जैसे किया चूहा फिर से जिंदा है चूहा लाइव कर रहा है आखिरी केस में हमने मिक्स कर दिया हीट हिटेन को दोनों को मिक्स कर दिया दोनों को प्लस कर दिया फिर डाला तो चूहा मर गया चूहा मरा तो इसका ये 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 सब कुछ लिखा हुआ है, देख लो यहां पर पूरा सिद्धांत है कि कैसे कैसे काम किया सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है आप लोग इसे पढ़ना मैं यहां पर समझा दूंगा आप लोगों को यह समझ में आएगा कि एस प्रभेद डाला पढ़ लो हिंदी एस प्रभेद डाला चूहे में प्रवेश कराया गया चूहा मर जाता है आर प्रभेद डाला गया चूहे में प्रवेश कराया गया चूहा मर गया ठीक है ने जीवाणु को गर्म करने पर उन्हें मृत पाया जीवाणु जब क्या हुआ गर्म हुआ तो उसे क्या पाया मृत पाया उसने पाया कि गर्म करने पर मृत प्रवेश जीवाणु में प्रवेश कराने से उसकी मृत्यु नहीं हो पाई गजब हिंदी लिखा है पढ़ लेना ठीक है अगर मेरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो तो यह भी समझ में आ जाएगा ओके लेकिन जब उसे गर्म करने पर मृत एस मृत एस और सजीव आर मरा हुआ एस और सजीव आर दोनों को प्रवेश कराया गया तो चूहा फिर से मर गया मृत्यु हो गई इस मृत चूहे में पाया गया कि उसने सजीव एस जीवाणु को प्राप्त किया जब वो मरा तो उसने प्राप्त किया कि उसके अंदर सजीव एस जिंदा वाला एस है हमने डाला कौन सा था मरा वाला एस डाला था लेकिन देखा गया तो वहां पर ठीक है ठीक है यहां पर जो है वो सजीव पाया गया तो उस सजीव की एटॉपसी की गई और एटॉप्सी के बाद देखा गया कि आर प्रभेद जीवाणु ने मृत ताप एस जीवाणु द्वारा रूपांतरित हो गया है रूपांतरित होने से यह रूपांतरण ताप एस प्रभेद ताप मृत मतलब हीट किल्ड क्या मतलब होता है हीट किल्ड इसको थोड़ा सा लिख लेना ठीक है हीट किल्ड एस प्रभेद से जो है आर प्रभेद में स्थानांतरित होने से चिकनी बहुसरकरा आवरण बनता है जिससे यह बीमारी फैलाता है निश्चित रूप से यह अनुवांशिक पदार्थ के कारण हो पाता है लेकिन अनुवांशिक पदार्थ की प्रकृति के बारे में नहीं बताया जा सकता इस एक्सपेरिमेंट से यह सब नहीं होता है ठीक है हिंदी वाला कोई दिक्कत नहीं है हिंदी में जो कुछ लिखा हुआ है जो मैं आपको इंग्लिश में समझा चुका हूं वही बात है बस पूरी यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ आप लोग इसको पढ़ना नहीं समझ आएगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर मैं समझा दूंगा अगर मेरा थ्योरी समझ में आया है जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया तो यह भी समझ में आएगा कोई परेशानी नहीं होगी ठीक है पढ़ के रखो इतना जब समझ में नहीं आया हो तो बताना फिर नेक्स्ट क्लास में एक गजब का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे कि आखिर ये जो आज में मतलब आखिर में वो पैदा कैसे हुआ ठीक है बाहुबली ने कटप्पा को कैसे मारा ये कैसे मरा ये क्या ट्रांसफर हुआ था हम कल बताएंगे ठीक है कि आखिर वो चूहे को मरने के पीछे राज कौन सा था मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए नमस्कार बाय बाय टाटा गुड नाइट ठीक है ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाय बाय